को मनाया गया क्योंकि 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए दिन मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम था कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया, वर्ल्ड हिंदी डे। और एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी को 1975 10 जनवरी पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। नेशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, जयंती होती है। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, 73rd एडिशन मनाया गया आर्मी डे का, क्योंकि जो हमारी आर्मी है उसके पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे के एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को। और 14 जनवरी को होता है भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी कि वेटरन्स डे, आर्मी के द्वारा मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि 14 जनवरी 1953 को के एम करियप्पा रिटायर हुए थे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। एलन बर्जेस, दुनिया के सबसे बूढ़े क्रिकेट खिलाड़ी, इनकी डेथ हो गई, 100 साल के थे ये। मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपॉल की डेथ हो गई। कांग्रेस के नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी की डेथ हो गई। कांग्रेस के नेता और केरल के पूर्व मंत्री के रामचंद्रन की डेथ हो गई। मशहूर पत्रकार, लेखक और पद्मश्री जीत चुके तुर्लापति कुटुंब राव की डेथ हो गई। नील श्रीहन, ये एक रिपोर्टर थे और लेखक भी थे, इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ था, इनकी डेथ हो गई। मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे की डेथ हो गई। और एक बात यहां पे यह भी याद रखनी है आपको कि एक व्यक्ति थे गोविंद स्वरूप, जिन्हें भारत के अंदर रेडियो एस्ट्रोनॉमी का फादर बोला जाता था, उनकी डेथ भी सितंबर में हुई थी, गोविंद स्वरूप। मशहूर भारत के भारतीय मूल के अमरीकी लेखक वेद मेहता की डेथ हो गई। ये लेखक थे, अमेरिका में रहते थे पर थे इंडियन। समाज सेवी, सोशल एक्टिविस्ट और पद्मश्री जीत चुके डी प्रकाश राव की डेथ हो गई। पूर्व मंत्री और मशहूर व्यापारी कमल मोरारका की डेथ भी हो गई। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेज और ओबिचुअरी। अब हम शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। भारत का कौन सा राज्य है जिसने कृषि संजीवनी वैन शुरू करे हैं? ये वैन क्या करेंगी? ये किसानों के खेतों में जाएंगी और वहां पे मिट्टी और पानी की जांच करेंगी और फिर किसानों को बताएंगी कि कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। सो ये कर्नाटक की सरकार ने शुरू करी है, कृषि संजीवनी वैन। और कर्नाटक की सरकार ने किसानों के लिए एक पोर्टल भी बनाया जिसका नाम है फ्रूट्स पोर्टल, फ्रूट्स पोर्टल। केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा यानी लैंग्वेज, संस्कृति यानी कल्चर और हेरिटेज, और वहां की जमीन भूमि के संरक्षण, उनके लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है? तो यह समिति बनी है जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में। जी किशन रेड्डी जो है ये चेयरमैन है उस कमेटी के जो लद्दाख की लैंग्वेज, कल्चर और लैंड उनको प्रोटेक्ट करेगी। इससे पहले भी जी किशन रेड्डी समिति बनी थी। वो समिति क्यों बनी थी? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के विकास के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, उस कमेटी के चेयरमैन भी थे जी किशन रेड्डी। और जी किशन रेड्डी को जी सतीश रेड्डी से कंफ्यूज मत करना, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर। और भारत का सबसे ऊंचाई पे जो विज्ञान केंद्र है, मौसम विज्ञान केंद्र यानी इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर, वो लेह में बना है, लद्दाख में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी अभी एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर की टीम बनाई है। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर की जो अकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल है AAC यानी कि अकादमिक सलाहकार परिषद, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसका चेयरमैन कौन होगा? तो उसके चेयरमैन होंगे NS विश्वनाथन, जो RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और RBI जो है, एक चीज याद रखिए, इन्होंने अभी अभी ऑटोमेटेड नोट प्रोसेसिंग सेंटर जयपुर में खोला है, ऑटोमेटेड नोट प्रोसेसिंग सेंटर। और एक कमेटी और है इनकी जिनका नाम है डीबी फाटक कमेटी। इन्होंने बनाई थी QR कोड के एनालिसिस के लिए, यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड के एनालिसिस के लिए। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार एक महिला एम्पायर बनी है, उनका नाम क्या है? ये पुरुषों के वनडे मैच में तो ऑलरेडी बन चुकी थी सबसे पहली महिला एम्पायर, जब इन्होंने नामीबिया और ओमान के बीच जो मैच हुआ था
2019 में उसमें ये बतौर एम्पायर खड़ी हुई थी। तो वनडे में तो ऑलरेडी कर चुकी ये काम, ये कारनामा, लेकिन अब टेस्ट मैच में भी करके दिखाया। इनका नाम है क्लेयर पोलोसेक, क्लेयर पोलोसेक। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। वीरेंद्र कुमार पॉल ये कौन से कंट्री में हमारे एम्बेसडर बने हैं, राजदूत बने हैं? तो ये कंट्री है सोमालिया, और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। कौन सी बहुत बड़ी कंपनी है जिसने अभी अभी वर्चुअल ब्रेकआउट रूम नाम का फीचर शुरू करा है, जिसमें आप जैसे जूम कॉल करते हैं, यानी जो मीटिंग्स वगैरह है वो सब आप कर सकते हैं इसके अंदर? तो ये किसने स्टार्ट करा है अभी अभी? ये अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू करा है, याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दो प्लेटफॉर्म है, एक का नाम है काइजाला, KAIZALA, काइजाला, और दूसरे का नाम है अज्योर, AZURE, अज्योर। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी एक ट्राइबल लैंग्वेज है, जनजातीय भाषा, जिसको ट्रांसलेट करके दिखाया है, वो है गोंडी लैंग्वेज। राइट अंडर योर नोज, ये किताब किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है आरबीआई के व्यक्ति आर गिरिधरन ने, आर गिरिधरन। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के? तो गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी अभी सुधांशु धोलिया, सुधांशु धोलिया। और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनी है? हीमा कोहली, हीमा कोहली। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के पंकज मित्तल। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी, अरूप कुमार गोस्वामी। और हमारे भारत के चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। इनमें से कौन सा संगठन है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 जनवरी से 2 मार्च तक उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? उद्योग मंथन, तो याद रखिए, उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है DPIIT, DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसमें वेबिनार होंगे बहुत सारे ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो DPIIT ऑर्गेनाइज कर रहा है उद्योग मंथन। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 6 जनवरी 2021 को। यह इनका 74th स्थापना दिवस था भारतीय मानक ब्यूरो, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत करी है? थैला बैंक की शुरुआत अभी अभी करी है लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। थैला बैंक क्या होता है? बेसिकली थैले बेचेंगे ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये थैले बनाएंगी महिलाएं, तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा इससे, महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक तरह से। तो ये थैले 5 रुपए के और 20 रुपए के, दो थैले हैं, एक 5 रुपए में आता है, एक 20 रुपए में आता है। तो थैला बैंक मतलब थैले बेचे जाएंगे महिलाओं के, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बनाए हुए थैले हैं ये। इससे महिलाओं को पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टार्ट करा है। लखनऊ भारत का 9वां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, 9th, जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड भी शुरू करे हैं अभी अभी। म्युनिसिपल बॉन्ड के विकास के लिए भारत में एक कमेटी भी बनी थी जिसका नाम था सुजीत प्रसाद कमेटी। और एक म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र का है, जिसका नाम है पिंपरी छिंचवाड़। ये पहला भारत का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना है जिसने सोशल इंपैक्ट बॉन्ड स्टार्ट करें, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। और पहला अगर पूछे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा था जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू करे थे, तो वो था बैंगलोर। भारत का कौन सा राज्य है जो सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग और गवर्नमेंट ऑफिसेज, उन्हें ग्रीन टैग देगा? तो ये देगा केरल, और इसका नाम है हरिता केरलम मिशन इसका नाम है। केरल ने अभी अभी एक फूड पार्क बनाया है अपना पहला, पलक्कड़ में। मेगा फूड पार्क केरल में बना है पलक्कड़ में, और केरल की सरकार ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना भी शुरू करी है, परिवर्तनम योजना। और भारत का पहला जेंडर डेटा हब भी केरल में बना है, जेंडर डेटा हब। चेरी ब्लॉसम माओ त्योहार ये भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो माओ जो जगह है ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट में है, और सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, तो आंसर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में एक बांध भी बन रहा है जिसका नाम है थोबाल, THOUBAL, थोबाल डैम। मणिपुर जो है, यहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है। मणिपुर का पुलिस स्टेशन भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नोंगपोकसेकमई, NONGPOK, नोंगपोकसेकमई, SEKMAI। ये भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है,
और हमारे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, वो भी मणिपुर के हैं। मणिपुर में संगई फेस्टिवल जो है वो सबसे फेमस है। भारत का पहला फायर पार्क कहां बन रहा है? भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बन रहा है, और इसमें बच्चों को यह सिखाया जाएगा फायर पार्क में कि आग से कैसे बचा जाए, या अग्निशमन कार्य जो होता है फायर ब्रिगेड वगैरह वो काम कैसे करता है। और ओडिशा की सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया अग्निशमा सेवा, अग्निशमा सेवा। कौन सा भारत का राज्य है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है सतर्क नागरिक? सतर्क नागरिक को लॉन्च करा मनोज सिन्हा ने, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो आंसर है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल वाला रेलवे ब्रिज बन रहा है जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, और अंजी खाद ब्रिज जो है ये कटरा को रईसी से जोड़ेगा, कटरा को रईसी। और भारत का पहला कनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, कनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट भी जम्मू में स्टार्ट हुआ है, यह भी ध्यान रखिए। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहां पे बन रहा है? भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बनेगा कुफरी में, कुफरी हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है, तीर्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, खीर गंगा और सिंबल बरा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं उनकी 125वीं जयंती कब होगी? 2022 में। तो एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम बन रहा है जो कोलकाता में बन रहा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई जाए इसकी तैयारियों के लिए समिति बनी है, उसके चेयरमैन कौन बने? तो उसके चेयरमैन बने हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कौन से बैंक ने सेना के जो जवान हैं उनको, उनके लिए बैंकिंग सर्विस स्टार्ट करी है? एक नया बैंक अकाउंट स्टार्ट करा है जिसका नाम है शौर्य सैलरी अकाउंट, शौर्य सैलरी अकाउंट या शौर्य वेतन खाता, तो यह शुरू करा है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और बंधन बैंक शुरू करा था चंद्रशेखर घोष ने। वैसे एक मिलता जुलता प्रोडक्ट है जिसका नाम है शौर्य केजीसी कार्ड, तो शौर्य केजीसी कार्ड स्टार्ट कराया है एचडीएफसी बैंक ने। तो शौर्य सैलरी अकाउंट और शौर्य केजीसी कार्ड में कंफ्यूज मत होना। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यानी इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, ये 51st एडिशन हो रहा है, इसमें फोकस कंट्री कौन सा है? फोकस कंट्री इसमें बांग्लादेश है, और ये गोवा में हो रहा है ये फेस्टिवल। रिलायंस ने PKTCL कंपनी में अपने 74% शेयर कौन सी कंपनी को बेचे? इंडिया ग्रिड को बेचे। कितने में बेचे हैं सवाल ये? तो इंडिया ग्रिड जो कंपनी है इंडी ग्रिड, उसे 74% शेयर 900 करोड़ रुपए में रिलायंस ने अपने बेचे हैं। वैसे रिलायंस ने अभी अभी तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी खरीदी है, एक तो ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है जिसका नाम है नेट मेड्स, दूसरी फर्नीचर की कंपनी है जिसका नाम है अर्बन लैडर, और तीसरी कंपनी जो है वो है फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर ग्रुप का पूरा रिटेल बिजनेस खरीद लिया है किशोर बियानी से, तो ये भी ध्यान रखिए। कौन सा राज्य है जो महिलाओं को और जो सीनियर सिटीजन है यानी वरिष्ठ नागरिक, उनको मुफ्त में बस सेवा प्रदान कर रहा है? इसका नाम रखा है भ्रमण सारथी योजना, ये सीनियर सिटीजन और वुमेन के लिए फ्री बस सर्विस है, तो यह स्टार्ट करी है असम की गवर्नमेंट ने, तो आंसर है असम। हाल ही में किस राज्य ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च करा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ई दाखिल पोर्टल पंजाब सरकार ने लॉन्च करा है। पंजाब सरकार ने डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप और PR इनसाइट नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है। ई दाखिल ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट है, एक तरह का ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम है, तो यहां पे आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और पंजाब की सरकार ने जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं यानी स्लम ड्वेलर हैं, उनके लिए बसेरा योजना भी शुरू करी है। हमारे जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें जो एडवर्स फाइंडिंग्स आई थी यानी प्रतिकूल निष्कर्ष निकले, उनकी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है? एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनी है, इसके चेयरमैन होंगी प्रीति पंत, सो आंसर है प्रीति पंत। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें पहली बार सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा स्टार्ट हुई है, यानी रोल ऑन रोलो फेरी सेवा है लेकिन सोलर है पूरी तरह से? तो ये केरला में स्टार्ट हुई है, केरला। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उन्होंने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्कीम जो होती है उसको मैनेज करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन बनाया गया है मिस्टर बीपी कानूनगो। भारत का कौन सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या नगर निगम है जिन्होंने महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पीरियड रूम शुरू करा है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको प्रमोट करने के लिए? यह करा है ठाणे ने, ठाणे महाराष्ट्र में है, और इनके नगर निगम ने पीरियड रूम शुरू करा है। गुजरात ने हाल ही में अभी अभी
91वीं K9 वज्र तोप बना के दिए, ठीक है, गुजरात ने। तो ये कौन सी कंपनी ने बनाई है और ये फैक्ट्री कहां पे है? ये फैक्ट्री सूरत के हजीरा में है। ये वही हजीरा है जहां से घोघा जो भावनगर में है वहां तक एक फेरी सेवा स्टार्ट हुई है, रोपेक्स फेरी सर्विस। गुजरात में कहां से कहां तक स्टार्ट हुई है? घोघा से हजीरा, हजीरा सूरत में है, घोघा भावनगर में। और K9 वज्र टी गन 91st ये बनाई है लार्सन एंड टूब्रो ने और ये फैक्ट्री हजीरा में है। वेनेडियम, ये स्टील और टाइटेनियम को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए यूज होता है वेनेडियम। भारत के कौन से राज्य में पहली बार मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। पहली बार भारत में अरुणाचल प्रदेश में मिला है वेनेडियम। और अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क है, एक तो नाम डफा और दूसरा मोलिंग, MOULING मोलिंग और नाम डफा। अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पे कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व भी है। जे वेंकट रमू, ये कौन से पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने? तो जे वेंकट रमू, याद रखिए, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभी अभी बने हैं। और एयरटेल पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अनुब्रत विश्वास। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी सरकारी कंपनियां और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी देता है, उसके चीफ कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। और CRPF के कौन है? CRPF के हैं AP महेश्वरी। और BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के कौन है? सीमा सुरक्षा बल के हैं राकेश अस्थाना। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए, यानी इंडियन ओरिजिन पर्सन कौन है वो, जो COP26 होगा स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, उसकी कॉन्फ्रेंस के चीफ होंगे। COP26 कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होगी, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आलोक शर्मा, आलोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो जो है भारत में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट कर रहा है जिससे स्पेस एजुकेशन बच्चों को दी जा सके? तो इसरो टोटल 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट कर रहा है, अपना रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसरो के चेयरमैन है K7, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है। और K7 जो है इसरो के चेयरमैन, उन्हें वॉन कर्मन अवार्ड भी अभी मिला है, वॉन कर्मन अवार्ड। फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा, ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट अभी अभी बने हैं? ये कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। हमारे केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने अभी अभी एक इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट इसका इनॉग्रेशन करा KVIC के द्वारा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट, ये इसका नाम है। जो हमारा नागरिक परिवहन मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो रोड सेफ्टी मंथ मना रहा है, सड़क सुरक्षा माह, कब से कब तक? सो याद रखिए, सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा, 18 जनवरी से 17 फरवरी। और इस बार ये मनाया जा रहा है, लेकिन हर बार नेशनल रोड सेफ्टी वीक यानी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, और वो हर साल 11 से 17 जनवरी तक होता है, 11 से 17 जनवरी। लेकिन इस बार हम सप्ताह नहीं मना रहे, हम माह मना रहे। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय, ठीक है, इन तीनों में एक अभियान आयोजित कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन दी ओम बिरला ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कैंपेन स्टार्ट कर रही है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपना संविधान जानिए, यानी कि अपने संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई का जो बंदरगाह है, चेन्नई पोर्ट है, वहां पे कोस्टल रिसर्च व्हीकल यानी कि तटीय अनुसंधान वाहन, उसका इनॉग्रेशन करा। इसका नाम क्या है? तो ये दूसरा है जो हमें मिला है, और ये एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है टीटागढ़ वैगन, TITAGARH, टीटागढ़ वैगन, WAGON। पहला था उसका नाम था सागर तारा और दूसरे का नाम है सागर अन्वेषिका। तो आंसर है सागर अन्वेषिका। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो प्रारंभ नाम का स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सबमिट कर रही है? वैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में स्टार्ट हुई थी, 16 जनवरी 2016, और इसको 5 साल पूरे हो गए हैं। सो प्रारंभ का आयोजन करेगा डीपीआईआईटी। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में यानी एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है, और ये COVID-19 वैक्सीन जो है, कोरोना की जो वैक्सीन है, उसका क्रियान्वयन करेगी यानी उसको एडमिनिस्टर करवाएगी। यानी कोरोना वैक्सीन के ऊपर कमेटी बनी है, उसका पहले नाम क्या था और अब नाम क्या है? अब नाम है RS शर्मा कमेटी, क्योंकि RS शर्मा उसके चेयरमैन है, राम सेवक शर्मा,
जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, अभी हैं उसके चेयरमैन पीडी वाघेला, पहले थे आरएस शर्मा। तो आरएस शर्मा समिति बनी है कोविड 19 के लिए, वैक्सीन के लिए, और पहले जो बनी थी 6 महीने पहले कोविड 19 वैक्सीन के लिए कमेटी, उसके चेयरमैन थे वीके पॉल। आरबीआई ने अभी कौन से सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, तो ये बैंक है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो उस्मानाबाद महाराष्ट्र में है। इससे पहले सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई में है, सुभद्रा एरिया लोकल बैंक जो कोल्हापुर में है, कराड़ जनता सहकारी बैंक जो कराड़ महाराष्ट्र में है, और मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो गोवा में है, इन सबका लाइसेंस भी कैंसिल कर चुका है आरबीआई, ये भी ध्यान रखिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 85 और दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जापान का, जापान है नंबर 1। जापान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 191 कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। ये किताब किसने लिखी है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स, तो इसको लिखा है अभी एस वाई कुरैशी ने। और एस वाई कुरैशी कौन है, एस वाई कुरैशी हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। कौन सी स्पेस एजेंसी ने अपना नया रॉकेट बनाया है जिसका नाम है रॉकेट H3, तो H3 को बनाया है जापान ने, जापानीज एरोनॉटिक एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा। कौन से राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर योजना शुरू करी है, क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव, तो ये ओडिशा ने शुरू कराया है भुवनेश्वर में क्लीन बिंदु सागर, ठीक है, ओडिशा ने स्टार्ट करा है। ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है। टाटा पावर जो है इन्होंने अपना एक मैस्कॉट बनाया है, उसका नाम क्या है, टाटा पावर की मैस्कॉट होगी रोशनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी जो डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटी है, यानी भारत में जो डिजिटल लोन वगैरह काफी बढ़ रहा है लेकिन उसमें रिस्क भी काफी है, तो डिजिटल उधार पर एक कार्य समूह बना है, ये डिजिटल उधार लेते हैं जो उसमें जो भी रिस्क वगैरह है उनकी समीक्षा करेगी, एनालाइज करेगी। इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है जयंत कुमार दास। पहली बार डीआरडीओ ने भारत की एक देसी पिस्टल तैयार करी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है आसमी। और एक मोटरसाइकिल जो होती है उसके ऊपर रखी हुई सीट भी तैयार करी है जवानों के लिए, जिसका नाम रखा गया है रक्षिता, तो रक्षिता भी बनाई है डीआरडीओ ने। सडार जपारोव कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं, तो सादर जपारोव ये बने हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है सोम, SOM सोम, और भारत किर्गिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है खंजर। ये किताब किसने लिखी है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इसको लिखा है विधु विनोद चोपड़ा ने, उनकी आत्मकथा है ये, विधु विनोद चोपड़ा ने लिखा है अनस्क्रिप्टेड। इंश्योरेंस नियामक, बीमा नियामक एडई जो है उन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है यानी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद उनकी उपलब्धता की जांच के लिए पैनल बनाया है, उनकी अवेलेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए पैनल बनाया है। इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है खुद एडई के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया, और एडई का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इंडियन आर्मी एक कंपनी है आइडिया फोर्ज, उससे ड्रोन खरीद रही है, यह ड्रोन कौन सा है, इस ड्रोन का नाम है स्विच। वैसे डीआरडीओ ने हमारा एक देसी ड्रोन भी बनाया है जिसका नाम है भारत। और एक भारत में क्या ड्रोन इंश्योरेंस होना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन होंगे अंजान दे, तो अंजान दे कमेटी का काम है चेक करना भारत में क्या ड्रोन इंश्योरेंस पॉसिबल है या नहीं। वैसे HDFC एर्गो भारत की पहली कंपनी है जिसने ड्रोन इंश्योरेंस स्टार्ट कर दिया है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन्होंने मिलकर कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार करा है, ये 3D डिजिटल डिजाइन बनाएगा, इसका नाम रखा है इन्होंने कोलैब कैड। अभी किताब लिखी गई है 10 Lessons फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है फरीद जकारिया ने जो CNN के वरिष्ठ पत्रकार है। भारत का कौन सा राज्य तिरुवल्लुवर दिवस मनाता है, तिरुवल्लुवर डे, तो ये सेंट पोएट जो तिरुवल्लुवर थे उनकी याद में मनाता है, तमिलनाडु, तो आंसर है तमिलनाडु। पैट जेलसिंगर ये कौन सी कंपनी के CEO बने हैं, ये इंटेल के CEO बने हैं, और IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। भारत की पहली एयर टैक्सी ये कहां से कहां तक चली, तो एक नया एयरपोर्ट बनाया हरियाणा में जो है हिसार एयरपोर्ट, उड़ान योजना के तहत बनाए, तो चंडीगढ़ से हिसार तक स्टार्ट हुई है भारत की पहली एयर टैक्सी, तो आंसर है चंडीगढ़। वो भारत की महिला कौन है जिसे नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस का अवार्ड मिला है, ये मिला है रोहिणी गोडबोले को, ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिटे यानी कि नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये रोहिणी गोडबोले को मिला है फ्रांस से,
फ्रांस में हमारे राजदूत हैं जावेद अशरफ। ऋण समाधान योजना कौन से बैंक ने शुरू करी है? ऋण समाधान योजना में यह है कि अगर किसान अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने लोन ले रखा है उसका 20% चुका देता है, अगर उसने 2 साल से कोई भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को रिटर्न नहीं कराए तो फिर उसका पूरा लोन माफ, 20% उसे चुकाना है प्रिंसिपल अमाउंट का। भारत ने 2025 तक जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है गैसोलीन के साथ, यानी गैसोलीन के साथ कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाना चाहिए उसका लक्ष्य रखा है, तो 2022 तक रखा है 10% और 2025 तक रखा है 20%। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है, 45,000 साल पुरानी, ये कहां मिली है? ये इंडोनेशिया में पाई गई है। इंडोनेशिया के साथ हम 2 मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, गरुड़ शक्ति और समुद्र।